हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे आलू के पापड़। तो मैंने यहाँ पे आलू को उबाल करके छील लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हमें मैश कर लेना है और उसके बाद आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकती हैं। और इसमें मैंने नमक ऐड किया है। अब इसमें जीरा हमने ऐड किया है। अब इसमें लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। अगर आप लाल मिर्च नहीं ऐड करना चाहती हैं तो नहीं भी ऐड कर सकती हैं। और इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आप ग्रेट करके बनाएंगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मिक्स करने में। तो मैंने यहाँ पे ग्रेट नहीं किया है, हाथों से इसको मिक्स किया है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। ये हमारा मिक्स होके रेडी हो गया है। तो हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इसकी छोटी छोटी हमें बॉल्स बना लेने हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन लिया है। अब उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है ताकि हमारा पापड़ बनाने में हमें आसानी रहे। अब उसके बाद इस बॉल्स को रख देंगे और ऊपर से इस प्लास्टिक की मदद से हमें फैलाते जाना है। तो ये देखिए, उस साइड भी हमें ऑयल को लगा लेना है। अब उसके बाद इसको इसके ऊपर हमें पलट देना है। और पलटने के बाद इसको अच्छी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसको फैलाते जाना है। ये देखिए कैसे अपने हाथों की मदद से हम इसको फैला करके मैंने रेडी कर लिया है। इसको किसी कपड़े पे हमें फैलाते जाना है। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से इसके ऊपर पलट करके, ये देखिए मेरा पापड़ बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक वैसे ही हमने दूसरी पापड़ बना के आपको दिखा रहे हैं, ठीक वैसे ही इसको भी हमें फैला, ठीक उसी तरीके से हमने सारे पापड़ बना करके हमने रेडी कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे पापड़ बना करके रेडी कर लिया है। अब इसको धूप में सुखाने के बाद ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छा बना है मेरा पापड़। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा मेरी पापड़ की रेसिपी आप सबको कैसी लगी।